इधर आ जाओ आप लोग। आज ये कोई फायदा नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, आपको अपनी बात रखनी है तो लालने में रखें। गैंगस्टर माफियाओं के घरों को पल भर में जमींदोज कर देने वाले बाबा के बुलडोजर की धमक अब बहुओं का शोषण करने वाले घरों में भी गूंजने लगी है। ताजा मामला बिजनौर के हल्दौर थाने का है, जहां प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश पर एक पीड़ित बहू को उसके ससुराल में एंट्री दिलाने के लिए बिजनौर प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। फिर क्या था, घर के सामने बुलडोजर खड़ा देख घबराए ससुराली जनों ने पलक झपकते ही बहू को घर के भीतर कर लिया। मामला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल थाना शहर कोतवाली इलाके के गांव धौकलपुर निवासी शेर सिंह की पुत्री नूतन की शादी वर्ष 2019 में हल्दौर के हरिनगर कॉलोनी निवासी रॉबिन के साथ हुई थी। वीडियो बना रहे हैं भाई, आप लोग भी आ जाओ। आज ये कोई फायदा नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, आपको अपनी बात रखनी है तो लालने में रखें। मन मुटाव के चलते नूतन को ससुराली जनों ने घर से निकाल दिया था। जब थाना पुलिस से बात नहीं बनी तो विवाहिता नूतन ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने विवाहिता को ससुराल में प्रवेश कराने का निर्देश दिया। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने कई घंटों की मशक्कत के बाद विवाहिता को उसकी ससुराल में प्रवेश दिलाया। विवाहिता की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुलिस को तैनात कर दिया है। विवाहिता को प्रवेश दिलाने के लिए पुलिस को जेसीबी की भी मदद लेनी पड़ी। थाना हल्दौर के ग्राम हरिनगर में एक विवाहिता महिला का अपना ससुराली जनों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में महिला ने ससुराली जनों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का अभियोग पंजीकृत कराया थाना हल्दौर पर, उसमें कार्रवाई की गई। ससुराली जनों ने उस महिला को घर से निकाल दिया था, जिसके विरुद्ध वह महिला माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर उस महिला को ससुराल के घर में प्रवेश दिलाया गया। अब सभी लोग शांति से रह रहे हैं और स्थिति सामान्य है। विगत में भी प्रयास हुआ था उसको ससुराल वाले घर में अंदर कराने का, लेकिन उसका ससुराली जन जो थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको प्रवेश कराना ही था, इसीलिए उस वहां पर पुलिस बल लगाया गया था। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।